सेकेंड हैंड बेनेली 600i लेने से अच्छा तो ये भैया कि ये जो नया वाला 302 बेनेली का आया है ये ले लो, झंझट फ्री रहोगे। अब ना मल्टी स्लेंडर का जमाना आ चुका है। अगर कोई 300 सीसी का सेगमेंट का बाइक भी देखता है ना, तो वो भी बंदा सोचता है कि यार 300 सीसी सेगमेंट ले रहा हूं तो ट्विन स्लेंडर तो लूं कम से कम। वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल दोस्तों। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल पे। जी हाँ, आज हम जिस बाइक की बात करने जा रहे हैं, इस बाइक का जो ब्रांड है बेनेली, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में इसके 600i की वजह से, क्योंकि इसकी जो साउंड होती है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। खुशखबरी ये है, देखो एक तो लोग बहुत सैड हो रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इन्होंने क्या किया, BS6 जब से लॉन्च हुआ ये बता ही नहीं रहे हैं कि 300 सीसी का जो इनका बाइक आता है बेनेली TNT 300, क्या वो आएगा BS4 से अपग्रेड होकर BS6 में, तो वो बता चुके हैं कि नहीं आएगा। ठीक है, उसे डिसकंटिन्यू करके एक नया ट्विन स्लेंडर वाला बाइक आएगा, यानी आप मान के चलिए उसी को ही अपडेट करेंगे 302 के नाम से। क्या क्या अपग्रेड उसमें कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस है, लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक चीज़ बताता हूँ यार, जो 300 है ना, मैंने बहुत चलाया आपको पता है, उसकी लुक ना मुझे हल्की गोल गोल लगती है। बट अब जो नया 302 आया हुआ है इसको हल्का शार्प भी किया है इन्होंने, काफ़ी सारी चेंजेस की है। और ट्विन स्लेंडर तो वैसे ही है जैसा आपको पहले भी आया करता था, और मुझे पता है यार, देखो अब टाइम आ चुका है मल्टी स्लेंडर का। अब हर बंदा सोचता है कि अगर कम सेगमेंट की यानी कम डिस्प्लेसमेंट की सीसी जिसका कम हो, जैसे 300 सीसी 250 सीसी ये सीसी के बाइक भी लूँ तो एटलीस्ट मेरे को ट्विन स्लेंडर तो मिले, वो परफॉर्मेंस तो मिले जो कि ट्विन स्लेंडर में मिलती है। अगर जानना चाहते हैं सिंगल स्लेंडर और ट्विन स्लेंडर के बीच में डिफरेंस, तो देखिए मेरा पुराना वीडियो, उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। आप 1:48 स्लेंडर इंजीनियर सिंह लिखेंगे, वो वीडियो आपके सामने होगा दोस्तों। भाई वीडियो एंड तक देखना, पर वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि क्या 600i सेकेंड हैंड लेना बेस्ट रहेगा या फिर 302। लीजिए, तो ये है आप सभी के बीच में एक बहुत ही लाजवाब खुशखबरी जो कि है अपने बेनेली की तरफ से। बेनेली ने TNT 300 को रिप्लेस करने के लिए लाया एक बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बाइक जो है 302S। जी हाँ, आपका जो पुराना 300 सीसी वाला बाइक इनका आता था TNT, वो होने वाला डिसकॉन्टिन्यू। बट ऐसा नहीं है कि उससे कुछ भी नहीं लिया गया, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि उसी बाइक से लिए गए हैं। तो अगर आप इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट की जगह एक अपग्रेड, तो वो भी आप कह सकते हैं BS6 में। बात करते हैं इसके इंजन की, तो अभी यार मार्केट में आता है 302R नाम का, सेम वही वाला इंजन यूज़ किया है ट्विन पैरेलल। और अगर बात करूँ सेम एलिमेंट्स की, तो इसमें स्टील क्रिस्टल का फ्रेम होगा, ठीक है, और पावर जो होगी 37 BHP की प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क जो होगी 26 Nm की प्रोड्यूस करेगा, 6-speed गेयरबॉक्स जो इनका स्टैंडर्ड रहता है वही रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो बहुत ही लाजवाब ब्रेकिंग होती है बेनेली की, आप सब जानते हैं। इसमें फ्रंट में ट्विन डिस्क दी होती है, यानी इसके अगले टायर में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डिस्क लगा होता है, 260mm की डिस्क लगे होंगे, और पीछे दिया जाता है सिंगल डिस्क जो कि होगा 240mm का। ऑब्वियस सी बात है इसमें भी डुअल चैनल ABS मिलने वाला है। स्लिपर क्लच की अगर बात मैं करूं, तो अभी उसके बारे में कोई भी अपग्रेड नहीं आया, इसीलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि स्लिपर क्लच इसमें स्टैंडर्ड मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की, यार इसके डिज़ाइन में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसकी हेडलाइट मुझे ऐसा लगता है पर्स कि KTM से इंस्पायर करके इसकी हेडलाइट को थोड़ा बनाया गया है, और जिसका डिज़ाइन है काफ़ी शार्प रखा गया है जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली अगर मैं बात करूँ। बात कर लेते हैं शॉकर्स की, तो पीछे मिलने वाला है आपको प्री लोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और फ्रंट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वाला मिलने वाला है जो कि सुपर बाइक्स में यूज़ होता है इन्वर्टेड फोक्स वाला। यार देखो, इसकी जो फ्यूल की टैंक कैपेसिटी जो आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 16 लीटर की, 16 लीटर, और ये बहुत बड़ी बात है इस तरह के स्पोर्ट्स बाइक में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी देना, और ये अच्छी बात भी है ताकि बंदे इसको लॉन्ग राइड पर भी ले जा सके और ज़्यादा दिक्कत
उनको ना आए। अब बात कर लेते हैं कलर वेरिएंट्स की। कलर वेरिएंट्स जो है वाइट में आने वाला है, एक जो आपको मैंने दिखाया ग्रीन वाला, फिर ब्लैक में और रेड में। ये चार कलर जो है हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए। कंपटीशन तो यार चलेगा ही मार्केट में आओगे तो, बट एक बड़ी अलग बात बताता हूँ इस बाइक के बारे में। यार इस बाइक में मिलता है आपको ट्विन इंजन, जो कि आपको पता है पहले से ही, मैं वो कई बार बोल चुका हूँ वीडियो में, ट्विन इंजन। इसका कोई भी डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है इस सेगमेंट में इंडिया में। कूल, बट ऑब्वियसली बात है यार, आओगे तो किसी ना किसी के साथ तो कंपटीशन होगा ही। तो KTM ड्यूक 390 और Z250, हाँ जी कावासाकी का जो Z250 आता है, इन दोनों के साथ इसका कंपटीशन चलेगा। और इसका प्राइस जो होगा ना यार, इन दोनों के बीच में होगा, जो कि बहुत ही लाजवाब बात है। ऑन रोड आपको पड़ने वाली है ये बाइक 350,000 रुपये से लेके 380,000 रुपये के बीच में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक लाजवाब प्राइस रहेगा इस बाइक के लिए। यार मैंने वीडियो में ना पहले भी आपको बोला था कि यार देखो, सब जानते हैं अब कि अब सिंगल सिलेंडर का टाइम जो है धीरे धीरे इंडिया से कम होता जाएगा और इंडिया में आता जाएगा मल्टी सिलेंडर का टाइम। और ट्विन सिलेंडर कम सीसी में, यानी 300 सीसी डिस्प्लेसमेंट, इस तरह के बाइक्स में बहुत ज़रूरी हो गया है आना। इसीलिए मैं कह रहा था कि होंडा को भी CBR 250 RR को यहाँ इंडिया में लॉन्च कर देना चाहिए, एंड कावासाकी को भी ZX 25 RR को विद 4 सिलेंडर यहाँ पे लॉन्च कर देना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इन बाइक्स के बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ जानना चाहते हैं इस स्पेशली इस बेनेली के बाइक में, ज़रूरी नहीं है कि आप 302S के बारे में पूछे, आप किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। आप सब जानते हैं कि इंजीनियर सिंह ने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, मैंने TRK पे वीडियो बनाया है, मैंने 600 GT पे वीडियो बनाया है, 600i पे वीडियो बनाया है, इवन 250 पे भी वीडियो बनाया है। अगर आप इसको इससे हटके किसी और बाइक का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो शेयर कीजिए। बेनेली के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट पे रिप्लाई नहीं आ रहा तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे engineer.singh, वहाँ पे DM कीजिए, वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर आएगा। हाँ जी, हिंदुस्तान की जनता कैसा लगा बाइक, क्या सोचते हो चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा हाँ, एक और चीज़, जाने से पहले आप सभी से पूछा था मैंने कि भैया सेकेंड हैंड बेनेली 600i लेना पसंद करोगे या फिर जाना चाहोगे शोरूम से निकाला हुआ तड़ाकेदार मसालेदार नया 302? यार बात एक्चुअली ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो 302 में ऑब्वियसली पावर टॉक कम होगी, आप ये भी मान के चलिए कि 600i इज़ अ 4 सिलेंडर बाइक एंड 302 विल बी अ ट्विन सिलेंडर बाइक जिसमें सिर्फ होंगे 2 सिलेंडर, और परफॉर्मेंस तो आपको ऑब्वियसली पता है कि इसकी तो एज़ कंपेरेटिवली कम होगी। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ कि 600i भी है जो वो भी आने वाला है नया वाला। बट यस, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्या कौन सा बेटर रहेगा यार, आप खुद बताओ। ये सब छोड़ दो, ये देखो आपको पैसे आपको इन्वेस्ट करने, आप ये सोचो कि आपको इन्वेस्ट करने, और फिर कमेंट बॉक्स में लिखना कि यार सेकंड हैंड बेनेली 600i सही रहेगी या फिर शोरूम से निकाला हुआ नया नया बाइक सही रहेगा। ओके, एंड दूसरी बात ये, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सेकंड हैंड बेनेली 600i बेटर है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि यार ये जो बाइक है ना, ये सेकंड हैंड की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है। और सेकंड हैंड की मार्केट आपको पता है, मैंने बहुत सारे लोगों के पास जाके वीडियोज़ बनाई हैं, आप सिर्फ लिख लीजिए इंजीनियर सिंह बेनेली और एंटर कीजिए यूट्यूब पर, आपको मेरे जितने भी सारे वीडियोज़ हैं सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। और एक चीज़ और, वीडियो में जाने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा यार, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, ठीक है, बट मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ये जो हेट फैला रहे हैं इनसे दूर रहिए। मेरे बोलने का मतलब ये है दोस्तों, आप हर डीलर के पास जाओ, जहाँ पर आपको बेस्ट सेकेंड हैंड बाइक मिले ना वहाँ से ले लो। और सबसे बेहतर तो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ भैया, सेकेंड हैंड के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना चाहते तो शोरूम से निकाला हुआ ये जो 302 है ये बेस्ट है मेरे हिसाब से यार, इसको देखो। बाकी आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है यार, जिसको 600i का चस्का है, जिसको 4 सिलेंडर चल रहा है और कम बजट है, उसको तो यार सेकंड हैंड की मार्केट में जाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है यार, डरो मत इनके बोलने पे या उनके बोलने में, डरो मत कहीं जाने से, खुले हो चौड़े हो के जाओ, कोई आपको पकड़ के ये नहीं बोलेगा अब ले ले भाई तू आ गया पकड़ ले, अब तो इससे पैसे ले लो छीन लो पैसे, ऐसा नहीं होता। आप जाओ अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन करो, बाइक चला के देखो, आपको सब कुछ बताया हुआ है यार। आप हर एक, मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने भी डीलर्स हैं सारे कवर करने की कोशिश इसीलिए करता हूँ मैं, इसीलिए मैं किसी एक ही डीलर के पास नहीं जाता रहता कि ताकि बंदों को दिखाता रहूँ कि भैया इसी डीलर के पास आऊँगा, इसी डीलर अच्छा है, ऐसा नहीं। सबके पास जाओ,
ताकि बंदों को पता चले कि इस एरिया में कितने डीलर्स हैं, ताकि जब वो आए, यार देखो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या जितने भी पैसे आप लोगों को इन्वेस्ट करने हैं, ओके, वो इन्वेस्ट करने के लिए आप 5 दिन नहीं घूम सकते, घूम सकते हो ना? जब मैं आपके लिए इतने सारे वीडियोस बना सकता हूं तो आप भी 5 दिन घूम सकते हो, घूम लो, एक दिन में 2 डीलर कवर कर दो, आधा दिन एक डीलर के सारे बाइक्स देख लो, उसके बाद आधा दिन एक डीलर के सारे बाइक्स देख लो, ऐसे दो 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 डीलर करते सारे डीलर्स के पास देख लो, एक कॉपी बना लो, ये बता दो कि इस डीलर के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ पे मैंने ये भी चेक कर दिया, वो भी चेक कर दिया, इंश्योरेंस भी ठीक है, फर्स्ट ओनर था, सेकेंड ओनर था, जब आपको पूरी लिस्ट मिल जाए, हाँ जी ये डीलर ठीक है, ये मेरे को ये प्राइस दे रहा है, एक दिन लो और अपना बाइक फाइनल कर दो, क्योंकि आपका डिसीजन होना चाहिए। और मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ यार, पहले तो ये देखिए, मेरे 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 थ्रू कहीं पे भी जाओगे ना, कहीं पे भी कोई भी एक्स वाई जेड डीलर हो, सबसे पहले तो आप डिस्क्लेमर देखिए जो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, डिस्क्लेमर देख लिया। मेरा काम था आपको बताना कि कौन सा बाइक कौन से डीलर के पास मिलेगा। अब बाइक को चेक करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस देखने हैं, उसके नंबर देखने हैं, सब कुछ देखना है दोस्तों। मैकेनिक को दिखाओ, आप चाहे उसके शोरूम ले जाओ, अगर कोई भी आनाकानी करता है डीलर, कोई भी आपको इस तरह से बोलता है कि नहीं भाई मैं तो नहीं आपको दिखवाने देता, मेरे नहीं चेक करने, तो उससे मत लो, ख़त्म कहानी। इंजीनियर सिंह का वीडियो देख के गए थे, तो इंजीनियर सिंह ने ये थोड़ी बोला था कि जाके सीधा बाइक ले लेना, चेक करना आपका हक है। इसीलिए वीडियो हो गया है थोड़ा सा लंबा, क्योंकि बताना हो गया था बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो यार आप लोग, कमाल है, यहाँ पे हमारी फैमिली बड़ी 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 होती जा रही है और इंस्टाग्राम पे बड़ी नहीं रही है। तो फटाफट जाओ engineer.singh पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, और सब्सक्राइब तो मुझे पता ही है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।